एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वुमेंस स्टाइल अप। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ 5 बेस्ट ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिन्हें अगर आपने फॉलो कर लिया ना तो आप साड़ी में स्लिम के साथ साथ टॉल भी दिखेंगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी हाइट कम है या फिर आप बहुत ज़्यादा मोटे दिखते हैं साड़ी में तो ये वीडियो आपके लिए है। काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आज की जो वीडियो है हमारी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है। वीडियो लंबी ज़रूर है बट अगर आपने इसे फुल वॉच कर लिया ना तो आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, साड़ी ड्रैपिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपके पास नहीं बचने वाली है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके तो पूछ ही सकती हैं। सो ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा वो ये है कि हमें पेटीकोट को हमेशा फिटेड पहनना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, फिटेड का मतलब ये कि आपको अपने साइज़ से 4 अंगुल एक्स्ट्रा पेटीकोट को स्टिच करवाना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपने एकदम फिटेड पेटीकोट स्टिच कर लिया। इसके अलावा जब आप पेटीकोट को बांधेंगी तो देखिए आपको नेवल के नीचे ही बांधना है, यानी कि आप नेवल से जितना नीचे बांधे उतना अच्छा है। 3 से 4 अंगुल या 2 अंगुल या 1 अंगुल, मतलब आप नेवल से नीचे ही हमेशा पेटीकोट को टाई कीजिए। अब इसके अलावा देखिए, जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आता है ना इस तरीके से, तो हमारी पेटीकोट तो अभी फिटेड है बट ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसका हमें क्या करना है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो हमारी डोरी है मैं राइट साइड में बांध रही हूँ, आप चाहे तो मिड में बांध सकती हैं। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं बट राइट में बांधने का एक फ़ायदा होता है, इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आई बटन में लिंक मिल जाएगा। सो यहाँ पर मैं पेटीकोट को राइट साइड में बांध रही हूँ बट अगर आपकी साइड ट्रांसपेरेंट हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका नाड़ा जो है पेटीकोट का वो मिड में बंधा होना चाहिए। अब जो डोरी है मैं उसे ओपन पार्ट में से अंदर की तरफ इंसर्ट करके और यहाँ पर जो हमारा ओपन पार्ट है इसे मैं अच्छे से कवर कर रही हूँ एक दूसरे के साथ, यहाँ पर देखिए ओवरलैप करते हुए। सो इस तरीके से आपका जो ओपन पार्ट है ढक जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अब जो सामने का एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे मैं सामने की तरफ स्प्रेड कर रही हूँ, यानी हल्का हल्का फैला लेना है तो ये बिल्कुल पता नहीं चलेगी, एकदम फिटेड आपका पेटीकोट नज़र आएगा। सेम प्रोसेस से देखिए, जो हमारे बैक साइड में 4 अंगुल एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे भी हम बैक में इस तरीके से स्प्रेड करेंगे, तो इस तरीके से हमारा पेटीकोट एकदम फिटेड हो जाता है। अब हम इसे हैंड से प्रेस करेंगे ताकि हमारे बॉडी का अच्छे से शेप ले ले। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब जो सेकेंड टिप्स है हमारी वो है फुटवेयर। तो यहाँ पर आपको फुटवेयर बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमेशा जब भी आप साड़ी ड्रैप करें हमेशा कंफर्टेबल फुटवेयर चूज़ करें, और साथ ही साथ आप हील वाला तो ज़रूर वेयर करें क्योंकि साड़ी में अगर आप हील वाला फुटवेयर नहीं वेयर करते हो तो आपका लुक बहुत ही ज़्यादा ख़राब आता है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है हील वाले फुटवेयर कैरी नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए एक टिप्स ये है कि आप ब्लॉक हील या फिर मेरी तरह पैडेड हील का यूज़ कर सकती हैं। सो ये तो हो गया हमारा फुटवेयर एंड पेटीकोट। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है हमारा ब्लाउज। सो ब्लाउज आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग वेयर नहीं करना है, हमेशा अपनी साइज का और फिट वाला ब्लाउज वेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आप थोड़े से हेल्दी हैं तो यहाँ पर आपकी जो स्लीव्स है वो कोहनी से नीचे, यानी 3/4 स्लीव्स या फुल स्लीव्स होनी चाहिए। बट अगर आप मेरी तरह स्लिम है तो स्लीवलेस ब्लाउज वेयर कीजिए, इससे हमारा हैंड जो है एक समान नज़र आता है जिससे एक इल्यूजन क्रिएट होगा और आपकी हाइट टॉल नज़र आएगी। अब यहाँ पर जब आप ब्लाउज स्टिच करवाएं तो एक बात का आपको और ध्यान रखना कि आपके जो नेक है ना वो थोड़े से डीप नेक होने चाहिए, मतलब जो सामने की आपकी नेक बोन है ना, देखिए जो सामने का मेरा नेक है वो मेरी नेक बोन को छोड़ते हुए मैंने स्टिच किया हुआ है, यानी कि ये जो नेक बोन आपको दिखाई दे रही है हमेशा इसके नीचे आपकी जो नेक की डिज़ाइन है वो होनी चाहिए। आप स्क्वायर नेक और वी शेप नेक ज़्यादा ट्राई कीजिए, इसमें हमारा जो लुक है काफ़ी टॉल दिखता है। तो इस तरीके से आप ब्लाउज स्टिच करवाइए। यहाँ पेटीकोट जो मेरा है वो कॉटन का है। तो ये तो हो गया ब्लाउज, पेटीकोट, फुटवेयर। अब जो थर्ड पॉइंट है यानी जो थर्ड टिप्स है वो है हमारी साड़ी। सो यहाँ पर साड़ी चूज़ करते वक्त भी आपको काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपकी साड़ी में बहुत चौड़ा बॉर्डर नहीं होना चाहिए, हमेशा पतले बॉर्डर की साड़ी चूज़ कीजिएगा। इसके अलावा जो साड़ी का फैब्रिक है वो सॉफ्ट होना चाहिए, यानी बॉडी को हग करने वाला, जैसे लाइक्रा हो गया, क्रैप हो गया, शिफॉन हो गया, जॉर्जेट हो गया, इस टाइप की साड़ी आपको चूज़ करनी चाहिए। और अगर आप प्रिंट वाली साड़ी लेती हैं तो आप देखिए उसमें महीन प्रिंट होना चाहिए, काफ़ी महीन महीन प्रिंट होना चाहिए। इसके अलावा जो प्रिंटिंग की डिज़ाइन है आप कोशिश कीजिए कि वो आपकी वर्टिकल लाइन में हो, जिससे एक इल्यूजन क्रिएट होगा और आपकी हाइट टॉल दिखेगी। तो आप साड़ी लेते वक्त इन बातों को ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो कॉटन सिल्क या फिर सिल्क की साड़ियाँ होती हैं ना, जो काफ़ी फूली फूली रहती हैं, तो उन्हें ड्रॉप करते वक्त आपको काफ़ी सारे टिप्स फॉलो करने चाहिए जिस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। सो यहाँ पर देखिए, ये जो साड़ी है
आपकी इस तरीके से आपको हमेशा लेते वक्त ध्यान रखना है कि महीन प्रिंट की पतले बॉर्डर वाली, या फिर आप कोशिश करें एकदम सेम डिज़ाइन वाली ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल सेम कलर की जो साड़ी आप वैसी चूज़ करें। हाफ एंड हाफ साड़ी को आपको अवॉइड कर देनी है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको अपनी साड़ी दिखा देती हूँ। इसका जो फैब्रिक है ना वो क्रैप का है, मैंने इसे फ्लिपकार्ट से लिया है, तो इसका बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वाला पार्ट इसका पल्लू है हमारा, जिसपे काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन बनी होती है ना, वही वाला पोर्शन हमारा पल्लू होता है और ऊपर नीचे इसमें पतली सी बॉर्डर है, जिसके कारण ये साड़ी बिल्कुल आपको एक टॉल इफेक्ट देगी। एंड इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा टॉल दिखना है तो आप डार्क कलर की साड़ी चूज़ कीजिएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है कि हमारी साड़ी ड्रैपिंग। इसके लिए देखिए आपको बहुत सारे टिप्स फॉलो करने होंगे। फर्स्ट आपको साड़ी को इस तरीके से एंड सिरा लेते हुए राइट साइड से टकिंग को स्टार्ट करनी है। मीड से मैं नहीं कर रही हूँ, राइट से करती हूँ। मीड से अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हो तो कर सकती हैं। अब टकिंग करते वक्त काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है जिनकी हाइट कम होती है, तो वो इस तरीके से साड़ी को फोल्ड कर ले अपनी हाइट के अकॉर्डिंग और हल्का सा इस तरीके से रखते हुए अपने कमर से टकिंग स्टार्ट कर सकती हैं। बट मेरी हाइट इतनी भी कम नहीं है कि ये मुझे छोटी इस तरीके से मोड़नी पड़े। मैं इसे ओपन कर यहाँ पर देखिए राइट साइड से टकिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो पहले मैंने राइट में कॉर्नर को टक किया, फिर मैं लेफ्ट साइड में देखिए कॉर्नर को टक कर रही हूँ, फिर सामने के पार्ट को अच्छे से टकिंग करना है। एकदम टाइट फिटिंग आपको टकिंग करनी है, जो फर्स्ट राउंड की टकिंग है वो नीट क्लीन एंड टाइट फिटिंग आपको करनी होती है। अब देखिए साड़ी को हम लेते हुए इस तरीके से वन राउंड लेंगे और टाइटली से खींचते हुए आपको सामने की तरफ आना है। अब यहाँ पर देखिए जो सेकंड टिप है हमारी साड़ी रैपिंग से रिलेटेड, वो ये कि आपको फ्लोर टचिंग इस तरीके से साड़ी को टकिंग करनी है, यानी आपको साड़ी हमेशा ड्रैप करते वक्त फ्लोर को टच करते हुए ड्रैप करनी है। अगर आप ऊपर इसे ड्रैप करोगे तो आपका जो लुक है ना वो कुछ इंच कम नज़र आएगा, तो इस तरह भी एक इल्यूजन क्रिएट होगा जिससे हमारी हाइट टॉल दिखेगी। अब देखिए मैं राइट में कॉर्नर को टक की, इसके बाद बैक के पार्ट को अच्छे से पेटीकोट में मैं टकिंग कर रही हूँ। इस तरीके से जो हमारी फर्स्ट राउंड की टकिंग है ना वो देखिए कितनी टाइट फिटिंग नीट एंड क्लीन हुई है। और यहाँ पर मेरी जो साड़ी देखिए हल्की हल्की फ्लोर को टच कर रही है, ऐसा भी नहीं कि एकदम फ्लोर पर मेरी साड़ी गंदी हुई जा रही है, ऐसी भी नहीं है। तो फ्लोर को टच करती हुई साड़ी ड्रैप करनी है। अब इसके बाद हम आएंगे अपने पल्लू वाले पोर्शन पर। तो जो ये जो टिप है जो साड़ी ड्रैपिंग रिलेटेड, वो यहाँ पर थर्ड टिप है हमारी पल्लू। तो देखिए इस साड़ी को छोड़ते हुए हम पल्लू के दोनों सिरों को पकड़ लेंगे और गैदर करेंगे। यहाँ पर इकट्ठा करना होता है, आप चाहे तो डायरेक्ट भी बैक से घुमा सकती हैं। देखिए मैं आपको अभी दिखाती हूँ, जब मैं इसे बैक से इस तरीके से घुमाई ना तो यहाँ पर देखिए मैं खोल रही हूँ, तो आप डायरेक्ट इस तरीके से घुमा सकती हैं, बट साड़ी कभी उलट पुलट ना हो इसलिए मैं सुविधा के लिए ऐसे कर लेती हूँ। अब ये जो पल्लू वाला पोर्शन है हम इसे सामने की तरफ लाएंगे और दोनों सिरों को इस तरीके से पकड़ लेंगे। इस तरह से दोनों सिरों को पकड़ते हुए अब हम शोल्डर की प्लीट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जो फर्स्ट प्लीट है वो देखिए चौड़ी रखेंगे, हाफ इंच हमें चौड़ी रखनी है एंड इसके अकॉर्डिंग हम बाकी की प्लीट पतली बनाएंगे। बट यहाँ पर अगर आपको स्लिम लुक चाहिए ना, स्लिम इफेक्ट अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो आपको पतली पतली एकदम प्लीट बनानी है। बट अगर आपकी टमी बाहर की तरफ हो तो आप थोड़ी चौड़ी चौड़ी प्लीट बनाइएगा। अब यहाँ पर लास्ट एक और आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, जब आपकी प्लीट इस तरीके से एंड हो तो इसका डायरेक्शन जो है राइट साइड की तरफ होना चाहिए। तो हमेशा आपको इस तरीके से मैनेज करते हुए प्लीट को बनाना है। अब सभी प्लीट को आपको इक्वल करते हुए यहाँ पर पकड़ना होता है। तो देखिए ये यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट प्लीट हमारी हाफ इंच के करीब चौड़ी है, तो इस तरीके से वो अंदर की अनइवन प्लीट दिखाई नहीं देती। और मैंने चार अंगुल चौड़ी प्लीट बनाई, यानी बहुत ही पतली साइज़ की मैंने प्लीट बनाई है, जिससे एक इल्यूजन क्रिएट होगा और हमारी हाइट टॉल दिखेगी। अब ऊपर वाले पॉइंट पे आप चाहे तो सेफ्टी पिन लगा सकती हैं, बट मैं सेफ्टी पिन अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि मुझे प्रॉब्लम नहीं आती है। बट अगर आप बिगनर हो तो सेफ्टी पिन ज़रूर लगा लीजिएगा। अब देखिए हैंड को इस तरीके से हैंड में ऊपर वाले पॉइंट को पकड़ते हुए यहाँ पर आपको इस तरीके से हैंड को ऊपर की तरफ उठाना है, पूरा झटकते हुए देखिए इस तरीके से सेक करते हुए यानी हिलाते हुए आपको ऊपर की तरफ उठाना है, जिससे हमारी प्लीट नज़र आएगी। अब हम साइड से वन बाई वन प्लीट को इस तरीके से झटकते हुए अरेंज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने काफ़ी पतली पतली प्लीटें बनाई हैं, जिसके कारण 9 या 10 प्लीट यहाँ पर हमारी आई हुई है। इस तरीके से हमने प्लीट को अरेंज कर लिया है। अब हम अपने लेफ्ट वाले शोल्डर पे रखते हुए देखिए लेंथ डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पर अगर आपको टॉल इफेक्ट चाहिए, यानी आप टॉल दिखना चाहते हो, तो आपको और लॉन्ग पल्लू बनाना होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं पकड़ी हुई हूँ और फिर से मैं हैंड को ऊपर की तरफ हल्का सा उठाते हुए झटकते हुए साइड से वन बाई वन प्लीट को अरेंज करूँगी। पहले थोड़ा सा आपको हिला लेना होता है, यानी शेक करना होता है, फिर उसके बाद आप साइड से झटकते हुए वन बाय वन प्लीट को अरेंज कीजिए।
तो अगर आपको इस तरीके से प्लीट बनाने में प्रॉब्लम हो तो और भी सारे टिप्स और ट्रिक्स मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। अब देखिए, हम लेफ़्ट वाले शोल्डर पर रखते हुए यहाँ पर लेंथ को देखिए, मैं फ्लोर से थोड़ा सा ऊपर रखी हूँ, बहुत ही नीचे भी नहीं रखा है, घुटने से मतलब मुझे काफ़ी नीचे मैंने रखा है। हर बार मैं घुटने से थोड़ा सा यानी इतना पल्लू की लेंथ रखती हूँ। तो इस तरीके से आपको घुटने के थोड़ा सा नीचे नहीं रख के आपको और ज़्यादा नीचे रखना है, यानी फ्लोर से थोड़ा ही ऊपर हम पल्लू की लेंथ रखेंगे, जिससे एक इल्यूजन क्रिएट होगा और हमारी हाइट टॉल दिखेगी। तो आपको पल्लू को लॉन्ग रखना है। अब इसके बाद जब आप सेफ्टी पिन लगाइएगा तो हमेशा शोल्डर के 1 या 2 इंच बैक में लगाइएगा, नहीं तो आप जब जब झुकेंगे ना सामने की तरफ आपकी पल्लू गिरती रहेगी और साड़ी भी फटने के चांस होती हैं। अब यहाँ पर देखिए, सेफ्टी पिन हमने लगा लिया ना, तो जो सामने वाला बॉर्डर है, अब आपको इसे सेट करते वक्त भी एक टिप फॉलो करनी है। आपको इस तरीके से फ्लैट फ्रंट पल्लू नहीं बनाना है, ना ही आपको बहुत ही चढ़ा हुआ इस तरीके से पल्लू रखना है। आपको इस तरीके से क्रॉस में पल्लू को रखना है। देख रही, हाफ बस्ट एरिया को कवर करते हुए मैं इसको सेट कर रही हूँ। इससे भी एक इल्यूजन क्रिएट होगा और हमारी हाइट टॉल दिखेगी। आप खुद रियलाइज कर पाएंगी, अगर मैं इस तरीके से रखती हूँ तो वो अपर पार्ट हमारा काफ़ी ज़्यादा मोटा नज़र आ रहा होगा आपको, बट जब मैं इसे अपने क्रॉस में सेट करूँगी तो आप देखिए काफ़ी ज़्यादा आपको स्लिम इफेक्ट देगा ये। तो इससे भी हमारा एक इल्यूजन क्रिएट होता है जिससे हमारी हाइट टॉल दिखती है। तो आपको ये छोटी सी टिप्स है बस, बट अगर आप फॉलो करेंगी तो फ़र्क आपको बड़ा नज़र आएगा। अब देखिए, अब हम बॉर्डर को अच्छे से सेट करते हुए सामने की तरफ लेकर आएंगे। हमारा बॉर्डर कहीं भी मुड़ा हुआ ना हो और एकदम टाइटली से लेते हुए इस तरीके से आपको राइट वाले लेग तक लेकर जाना है, यानी राइट साइड की तरफ हम लेकर जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, मैं 2 तरीके आपको दिखाऊंगी। तो फर्स्ट जो तरीका है वो ये है जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, सेफ्टी पिन वाला। इसके अलावा मुझे काफ़ी सारे कॉमेंट आते हैं तो मैं आगे आपको बिना सेफ्टी पिन के भी बताऊँगी। तो यहाँ पर देखिए, मैं बॉर्डर को पहले सेट की, उसके बाद मैं 1 बाई 1 प्लीट बना रही हूँ। काफ़ी आराम से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। 2 से 3 प्लीट या 4 प्लीट आप बनाइएगा। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा अंदर वाला बॉर्डर जा रहा है उसको तो मैंने अलग से इस तरीके से सेट किया है, एंड इसके बाद प्लीट वाले सेक्शन को मैंने अलग से पकड़ कर टाइटली से राइट साइड खींच रही हूँ, जिसकी वजह से घुटने तक मेरा देखिए कितना ज़्यादा फिटेड आपको नज़र आएगा पार्टी वाला। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर प्लीट बनानी होगी। अब यहाँ पर देखिए, पहले तो ये जो हमारा अंदर वाला बॉर्डर है ये हमारा देखिए इस तरीके से सीधा आपको स्ट्रेट कर लेना है, और इसे भी प्लीट के साथ पकड़ते हुए राइट साइड तक टाइटली से खींचते हुए यहाँ पर देखिएगा, हम पेटीकोट के साथ इन्हें पकड़ लेंगे। अब यहाँ पर सेफ्टी पिन में इस तरीके से आप न्यूज़पेपर लगा लीजिएगा ताकि आपकी साड़ी ख़राब ना हो। और जो यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जिगजैग स्टाइल में, यानी जैसे हम स्टिचिंग करते बिल्कुल वैसे ही मैं सेफ्टी पिन लगा रही हूँ। थोड़ी सी मेरी सेफ्टी पिन ख़राब हो गई थी, जल्दी लग नहीं रही है, तो इस तरीके से आपको जिगजैग स्टाइल में सेफ्टी पिन लगानी है। सो इस तरीके से पेटीकोट को लेते हुए हमें जिगजैग स्टाइल में सेफ्टी पिन लगानी है ताकि हमारी साड़ी ना फटे। काफ़ी सारे कमेंट आते हैं तो मैं बिना सेफ्टी पिन के भी आपको दिखाऊंगी सेम लुक क्रिएट करके। अब इसके बाद बारी आती है हमारी प्लीट की। तो देखिए, स्टार्टिंग का हमें थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए प्लीट बनाना है। सामने की 2 फिंगर में फंसाते हुए बैक के स्मॉल फिंगर और थंब से प्रेस करते हुए मैं 1 बाई 1 प्लीट बना रही हूँ। आज मैं लेफ्ट हैंड से बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैं लेफ्ट हैंड से भी दिखा रही हूँ, आगे राइट हैंड से भी दिखाने वाली हूँ। सो वीडियो को एकदम आपको ध्यान से देखना है, काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें आपको मिल जाएंगे। अब देखिए, जब हमने प्लीट यहाँ पर बना ली है तो इसे आपको इस तरीके से लेते हुए झटक देना है ताकि हमारी प्लीट अच्छे से खुल जाए। अब देखिएगा, ऊपर से जो फर्स्ट प्लीट है उसे मैंने ओपन किया, एक प्लीट हमने ओपन कर दी, वो अच्छे से बन नहीं रही थी। अब एक और प्लीट ओपन करेंगे, यानी 2 प्लीट को ओपन करके आपको 1 प्लीट बनानी है। 2 प्लीट खोलकर हम 1 प्लीट बनाएंगे तो जो फर्स्ट प्लीट है वो चौड़ी हो जाएगी इस तरह से। अब ऐसा करते ही आपकी जो फर्स्ट प्लीट है काफ़ी अच्छे से सेट हो जाएगी और बाकी की प्लीट से दूर भागने वाली प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं 1 बाई 1 प्लीट को इस तरीके से सेट कर रही हूँ, कहीं भी हमारी प्लीट एक भी अंदर दबी हुई ना हो। सो यहाँ पर आप देख सकती हैं हमारी प्लीट कितने अच्छे से बन चुकी है। अब जब प्लीट हमारी बन जाएगी तो हमें ऊपर से इनके बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते हुए साथ में 1/2 सेंटीमीटर का गैप ही रखते हुए प्लीट को अरेंज करना है। यहाँ पर आपको एक और पॉइंट ध्यान रखनी है, फर्स्ट प्लीट अक्सर आपने देखा होगा फॉल साइड से ऊपर उठ जाती है और अंदर की अनइवन प्लीट दिखाई देती है, यानी नीचे की तरफ आप ध्यान दीजिएगा। तो मैं इस तरीके से अरेंज करती हूँ, मतलब जैसे जैसे सामने आती हूँ ना, प्लीट को हल्का हल्का 1/2 सेंटीमीटर का गैप रखते हुए इस तरीके से जैसे हम सीढ़ियों से 1 बाई 1 उतरते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही अरेंज करती हूँ। अब देखिए, सभी प्लीट को आपको यहाँ पे पकड़ना है, ऐसी नहीं है कि आपकी चौड़ी प्लीट अगर आपने छोड़ दी तो वो चौड़ी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, सेट नहीं होगी। सभी प्लीट को अच्छे से पकड़ते हुए मैं मेज़र कर रही हूँ मुझे कहाँ पर फाइनली अपनी प्लीट को टकिंग करना है, कितना पार्ट अंदर पेटीकोट में, वहीं पर हमें प्लीट को अरेंज करना होता है साइड से 1/2 सेंटीमीटर का गैपिंग देते हुए इस तरीके से।
अच्छे से झटक लेंगे अरेंज कर कर। अब नेवल के ठीक सामने रखते हुए अपने पेटीकोट में हम टकिंग किए हैं। अब जो राइट साइड की तरफ थोड़ा बहुत ओपन पार्ट है, इसे भी हम अच्छे से टकिंग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा पल्लू से इस तरीके से ढक जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी साड़ी है वो किस तरीके से फ्लोर को टच करते हुए हमने ड्रैप की हुई है। हमारा पल्लू लॉन्ग है। अब देखिए आप खुद ही हमारे लुक को रियलाइज कर सकते हैं कितना ज़्यादा टॉल नज़र आएगा। अब यहाँ पर देखिए ऊपर से हमारे नेक के कारण हमारा लुक कितना ज़्यादा टॉल दिख रहा है। यहाँ पर देखिए मैंने बैंगल बहुत ही कम वेयर किए हैं, तो यहाँ पर आपको एसेसरीज भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत ही भरे भरे से एसेसरीज ना वेयर कीजिए, जैसे कि बहुत भरे भरे बैंगल्स, चोकर नेक पीस, या फिर अगर आप इयरिंग वेयर करते हैं तो इस तरीके से लॉन्ग इयरिंग वेयर करें जिससे हमारी गर्दन लंबी नज़र आती है। और ये नेक बोन को हमेशा छोड़ते हुए नेकलेस आप वेयर करें। चोकर नेक पीस आपको अवॉइड कर देना है पूरी तरह से, क्योंकि जब भी आप चोकर नेक पीस वेयर करेंगी आपकी गर्दन पूरी तरह से ढक जाएगी और आप काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट नज़र आएंगी। तो अगर आपकी हाइट कम है तो आप चोकर नेक पीस को मेरी तरह अवॉइड कर दीजिए। एंड इसके बाद जो हमारा फाइनल लुक है आप देख सकती हैं, आपको फ़र्क खुद नज़र आ रहा होगा। आप रियलाइज़ कर पाएंगे कि वाकई में इन टिप्स को फॉलो करने के बाद आपका जो लुक है काफ़ी ज़्यादा टॉल नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा आप अपने हेयर स्टाइल पर भी थोड़ा सा ध्यान दे सकती हैं, जैसे कि आपको हाई बन या फिर पफ आप सामने की तरफ बनाएं। अगर आप ओपन हेयर रखना चाहती है तो आप साइड पार्टीशन यानी साइड मांग बनाएं और अपने हेयर को स्ट्रेट रखें। ऐसा करने से एक इल्यूजन क्रिएट होगा जिससे हमारी हाइट टॉल दिखेगी। तो जो पांचवी बेस्ट टिप थी वो थी हमारी हेयर स्टाइल एंड एसेसरीज। अब हम आते हैं वापस से अपनी साइड टैपिंग ट्रिक्स के ऊपर। यहाँ पर देखिए हमने पल्लू को एज इट इज़ रहने दिया है। इसके बॉर्डर को हम सेम प्रोसेस से यहाँ पर सेट करेंगे, हाफ बस्ट एरिया को कवर करते हुए, यानी थोड़े से आपको क्रॉस में पल्लू को सेट करते हुए बॉर्डर को सामने की तरफ लेकर आना है। और यहाँ देखिए राइट साइड तक आपको मेज़र करना है। इतना पार्ट मेज़र करके आप यहीं से प्लीट बनाने स्टार्ट कर दीजिए अगर आप लेफ्ट हैंड वाले हो तो, अदरवाइज आप यहाँ पर टकिंग कर लीजिए और अपने राइट साइड में आ जाइए। तो यहाँ पर मैं राइट हैंड वालों के लिए दिखा रही हूँ। देखिए नेवल से चार अंगुल आगे जाना है और यहाँ पर दूसरी ट्रिक का हम यूज़ करेंगे प्लीट बनाने में। इस तरीके से फोर फिंगर को देखिए हम सामने की तरफ रखेंगे और थंब को मैंने अंदर रखा है, और स्मॉल फिंगर को देखिए उठाते हुए और थंब में इस तरीके से फंसाते हुए स्मॉल फिंगर थंब करते हुए मैं प्लीट बना रही हूँ। अब यहाँ पर स्मॉल फिंगर जो बिगनर होते नहीं निकलती है, तो इस तरीके से आप टमी का सहारा ले लीजिए और अपनी स्मॉल फिंगर को निकालते हुए वन बाय वन प्लीट बनाइए। मैं ये तरीका इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जो सॉफ्ट फैब्रिक होती है ना, आप इस ट्रिक से बनाइएगा, क्योंकि वो ट्रिक में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है बिगनर्स को। अब प्लीट बन जाने के बाद इसके डायरेक्शन को देखिए, जो हमारी प्लीट की डायरेक्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होनी चाहिए। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको आप टक कर दीजिए। इसे हम टाइट फिटिंग में यूज़ करेंगे, आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। अब हम प्लीट को हल्का सा झटकते हुए यहाँ पर देखिए अरेंज करेंगे ऊपर से, जैसे हमने पहले अरेंज किया था ना, बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते हुए, साथ में हाफ हाफ सेंटीमीटर का गैप इन रखते हुए। और फर्स्ट प्लीट को ओपन करके जो राइट साइड में हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था ना, उसको लेते हुए हम यहाँ पर फर्स्ट प्लीट को चौड़ी करेंगे इस तरीके से। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी फर्स्ट प्लीट बाकी की प्लीट से आपने देखा होगा अक्सर दूर भागती है, तो इस तरह से वो प्रॉब्लम नहीं आती है। यहाँ पर देखिए हमारी प्लीट कितने अच्छे से बन चुकी है। आपको बस हैंड को अच्छे से सेक करना है, हमारी प्लीट नीचे तक खुल जाएगी, क्योंकि ये क्रैप फैब्रिक है, काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो आप बस चेक कर लीजिएगा आपकी प्लीट अंदर साइड की तरफ दबी हुई ना हो। इसके बाद हम मेज़र करेंगे हमें कितना पार्ट अंदर पेटीकोट में टकिंग करना है। सो इतना पार्ट मुझे टकिंग करना है ना, तो यहीं पर देखिए मैं साइड से वन बाय वन प्लीट को अरेंज कर रही हूँ, हाफ हाफ सेंटीमीटर का गैप इन रखते हुए। प्लीट अरेंज हो जाने के बाद अच्छे से झटकते हुए नेवल के ठीक सामने रखते हुए हम पेटीकोट में टकिंग करेंगे प्लीट को इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिएगा आपको प्लीट को अच्छे से चेक करना है, एक भी प्लीट आपकी अंदर के साइड दबी हुई ना हो, बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर सेट कर लीजिएगा। अब इस वाले पॉइंट पर हम एक सेफ्टी पिन लगाएंगे और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने छोड़ा है इसे टाइट फिटिंग करने में यूज़ करेंगे, तो आपको हटा लेना है। इसके बाद यहाँ पर पकड़ते हुए एक सेफ्टी पिन लगाएंगे, यानी जो हमने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है ना, आपको ध्यान रखना है कि सेफ्टी पिन लगाते वक्त वो इसमें ना आए, नहीं तो आप किस तरीके से टाइट करेंगी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम सेफ्टी पिन लगाएंगे। अब सेफ्टी पिन लग जाने के बाद हमारी साड़ी जो है ना बिल्कुल भी खुलती नहीं है। एंड ये देखिए राइट साइड की तरफ जो ओपन पार्ट है इसे मैं और ओपन कर ली हूँ जिसमें हमारा वन हैंड जा सके। आप इस तरीके से चेक कर सकती हैं, वन हैंड देखिए मेरा कितना इजी से चला गया है। अब ये जो हमारा पल्लू वाला पोर्शन है यहाँ पर देखिए बस्ट एरिया पर अच्छे से सेट करते हुए बॉर्डर को इस तरीके से थोड़ा सा क्रॉस में, और बॉर्डर को सेट करते हुए सामने की तरफ लेकर आएंगे। आपका बॉर्डर मुड़ा हुआ ना हो इसलिए आप अच्छे से चेक करते हुए टाइटली से खींचते हुए सामने की तरफ लेकर आइएगा
और राइट हैंड साइड की तरफ जो ओपन पार्ट है उसमें मैंने अपने राइट वाले हैंड को इंसर्ट किया और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे राइट वाले हैंड से पकड़ते हुए मैं खींच रही हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर मैं जैसे ही खींचूँगी ना, मेरा देखिए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कितना फिटेड नज़र आ रहा है ना। तो बिना सेफ्टी पिन के भी आप इस तरीके से फिटेड नज़र आएगा। अब यहाँ पर सेफ्टी पिन अगर आपने नहीं लगाया तो आप इस तरीके से पकड़ के खींचिएगा, नहीं तो आपकी प्लीट ओपन हो जाएगी। सो इस तरीके से खींचने के बाद देखिए कितना ज़्यादा हमारा लुक फिटेड आ रहा है। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे आपको क्या करना है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से हमारे घुटने तक बिल्कुल फिटेड हो गया ना, और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे ट्विस्ट करके और हम पेटीकोट में टकिंग करेंगे। अब अगर आप लूज़ पेटीकोट पहनते हो या फिर आपको लगता है कि टकिंग खुल जाएगी तो आप यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा लीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसे ऐसे भी छोड़ सकती हैं। अब ऊपर जो हमने पार्ट ओपन किया था इसे भी हम अच्छे से पेटीकोट में टकिंग करेंगे। सो इस तरीके से हमारा पल्लू से ढक जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकती हैं हमारा जो फाइनल लुक है वो बिना सेफ्टी पिन के भी किस तरीके से आ गया है। प्लीट को अच्छे से पकड़ते हुए झटक देंगी ना तो खुद ब खुद सेट हो जाएगी। सो यहाँ पर आप देख सकती हैं बिना सेफ्टी पिन के भी हमने टाइट फिटिंग साड़ी ड्रैप कर ली है। इसी के साथ हमारा जो आज का ड्रैपिंग ट्यूटोरियल कंप्लीट हुआ है। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो आज की वीडियो में इतना ही। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।